बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ अहमद, नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव हूँ और पीटी में एज एंकर मैं होता हूँ। नाज़रीन, जिस तरीके से आज वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर यूएन वुमेन की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से बात की जा रही है, तो इस साल का हमारा जो थीम है वो थीम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के हवाले से है। हम अपने ख़वातीन को नए टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कब इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है। क्योंकि अभी तक हमारे ऐसे ख्वातीन हैं कि जिनके CNIC नहीं बने हैं, जिनको अभी तक अपने पासपोर्ट्स का पता नहीं, जिनको अपने अभी तक ज़मीन के हिसाब किताब का पता नहीं कि उनके कैसे होते हैं, तो हम उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे लेकर जाएंगे, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, UN को और बाकी इदारों को, तमाम को इस चीज़ के हवाले से सोचना चाहिए कि हम अपने ख़वातीन को कैसे लेकर जाएंगे। तो इस साल से ऐसे बहुत से ख़वातीन हैं कि जिनको अगर वक्त मिलता है या जिनको अगर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो बहुत आगे निकल जाती हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, जिनको मौका मिला वो बहुत अच्छे जगह पर पहुँच गए, अगर जिनको मौका नहीं मिला वो अभी तक वहीं पर मौजूद है जहाँ पे वो थे। लिहाजा हमें तरक्की फाउंडेशन की तरह इस चैलेंज को लेना है और इस चैलेंज के हवाले से हमने भी काम करना है, हम अपने ख्वातीन को एम्पावर कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जा सके, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा सके, ट्रेनिंग दे सके, एम्पावरमेंट दे सके, ताकि वो आगे निकल सके और हमारे माशरे के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बन सके। थैंक यू।